अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूं। और आज साल 2024 का ईद उल फितर का दिन है और सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं ईद उल फितर का नमाज़ पढ़ने, जो कि पास के मस्जिद में ही जाना है। और वहां का नमाज का टाइमिंग जो है वो सुबह का 7:30 बजे रखा गया है। और सुबह 7:30 बजे रखने की वजह से हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना होगा, क्योंकि जगह भी देखना पड़ेगा वहाँ पर। तो जगह देखने के लिए हम लोग 6:30 बजे निकल चुके हैं, जबकि दूरी महज 5 मिनट की दूरी है हमारे रूम से ये, लेकिन फिर भी जल्दी जाना पड़ता है, क्या पता कहीं जगह ना मिले। तो हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, ये बिल्कुल गली वाला रास्ता है, बिल्कुल पतला है, यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती है। तो सुबह का समय है, बिल्कुल खाली खाली सा है, कोई लोग अभी जगह भी नहीं है शायद सही से। और हम लोग मस्जिद के पास पहुँच चुके हैं और मस्जिद में एंटर लेते हैं। घर से वजू बनाया के आने की वजह से हम लोग को वजू बनाना नहीं पड़ा, और कुछ लोग वजू बना रहे हैं। और मस्जिद में पहुँचे 6:30 बजे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कुछ थोड़ा बहुत जो है कि भीड़ है, ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आएंगे यहाँ पे। तो हम लोग एक साइड में जगह देख लेते हैं जहाँ से हम लोगों को आगे का वीडियो भी शूट करने में दिक्कत ना हो, और उसके लिए हम लोग एक कॉर्नर साइड का जगह देखे हुए हैं। और ये बहुत ही छोटा सा मस्जिद है, मुसल्ला कह सकते हैं इसको, बहुत ही छोटा सा है, देख सकते हैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। और ये 2 तला का है, ये नीचे में है और एक ऊपर में है। तो ऊपर में धीरे धीरे लोग, जैसे ये नीचे वाले में भर जाएंगे तो ऊपर में लोग आएंगे। और यहाँ पे हमारे इमाम साहब आ गए हैं और कुछ बात जो ऐसे कि अपने तरफ से रखते हुए लोगों के बीच। और नमाज का समय हो गया है, तो तकरीबन ये 7:45 से 50 मिनट के बीच में ये हम लोगों को नमाज़ अदा करने का मौका मिला है ईद उल फितर का, जिसमें हम सारे मुसलमान भाइयों ने मिलकर के नमाज़ अदा किए हैं। इस एरिया में लगभग जितने मुसलमान रहते हैं उन सभी के लिए यही एक जगह है जहाँ पे ईद का नमाज हो या जुमा का नमाज हो, सब लोग यहीं पे पढ़ते हैं। तो ईद उल फितर का नमाज पढ़ने के बाद हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं। और हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों के लिए ये एक बहुत ही अहम होता है कि अपने पापा को गले लगाना। तो साल में 2 बार मुझे ये मौका मिलता है, तो इस मौका को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैं मुबारकबाद देने के लिए अपनों से मिलने के बाद अपने पापा के पास फाइनली पहुँचा हूँ और पापा को मुबारकबाद दूंगा और गले लगाऊंगा उन्हें। ये बहुत ही सुकून का पल होता है मेरे लिए, देख सकते हैं मैं अपने पापा को गले लगा रहा हूँ। और इस तरह से हमने ईद उल फितर का नमाज जो है वो सेलिब्रेट किया हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे नमाज होता है, कोई भगदड़ नहीं, सब बिल्कुल शांत तरीके से नमाज पढ़ते हैं। ये वीडियो इतना ही, वीडियो कैसा लगा ज़रूर से जवाब दीजिएगा। और आप सभी व्यूअर्स को, हमारे यूट्यूब चैनल परिवार को मेरे तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद।